हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी, मैं हूं नीलम। तो आज फिर से मैं लेके आई हूं आपके लिए बहुत ही लवली सा सैलड डेकोरेशन, जिसमें मैं यहां पे सबसे पहले कुकुम्बर कट करूंगी, क्योंकि कुकुम्बर हमारे सैलड का सबसे अहम हिस्सा होता है। और चलिए वीडियो में इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। वीडियो के अंत में अपने फीडबैक यानी कि कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आपने देखा कि अभी मैंने कुकुम्बर कट किया, और यहाँ पे मैंने मैंगो के हाफ स्लाइसेस लिए हैं और इनको मैं कट कर रही हूँ इस तरह। ये देखिए लंबे लंबे स्लाइसेस में हम कट कर लेंगे, और क्योंकि जो डेकोरेशन मुझे जिस टाइप के करने हैं, क्योंकि मैंगो के अभी सीजन चल रहे हैं, और मैंगो किस तरह डेकोरेट कर सकते हैं अपने प्लेट में। और यहाँ मैं बता रही हूँ आपको कि रोज़ हम कैसे बना सकते हैं टोमेटो के। इसके लिए आपको बड़े साइज़ का टमाटर चाहिए, और इसको इस तरह स्टार्टिंग से कट करके और पतले पतले से स्लाइसेस छील के जो है वो आपको निकालने हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि कभी अगर आपका रोज़ बनाते वक्त छिलका अगर निकल गया, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डेकोरेट करना है। ये देखिए, तो ये भी छिलका अगर फट टूट भी गया तो इस तरह आप उसको ज्वाइंट करके और बना सकती हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी मेरी वीडियो मिस हो गई थी, जिस वजह से मैं आपको पूरा रोज़ नहीं दिखा पाई कि अगर छिलके बीच में टूट जाए तो हम कैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगी तो आपको ज़रूर देखना, मैं बता दूंगी कि किस तरह अगर छिलके कट हो जाए बीच से तो किस तरह हम बना सकते हैं रोज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेट कर लिया, अभी आपका जो प्लेट है मैंगो का बिल्कुल तैयार है। लेकिन थोड़ा सा इसमें डेकोरेशन और कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में जो मैंने कुकुम्बर से कट किया था उसको मैं हार्ट शेप यानी कि इस तरह दे दूंगी। इससे आप हार्ट शेप कैसे बनाते हैं ये भी सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए इस तरह हम हार्ट बनाते हैं, और चारों तरफ से यहाँ बीच बीच में, क्योंकि सिर्फ मैंगो है तो प्लेट थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर इस तरह हम डेकोरेट कर दिए तो ये थोड़ा सा खास लगने लगा, तो ये सेकेंड टाइप से हो गया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैरोट ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, तो हो गया ना बिल्कुल देखते देखते तीन कलर के आपके जो डेकोरेशन है हो गए। तो अब आपको इसमें से कौन सा डेकोरेशन अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा।